तो अभी के टाइम पर इस तरह के वीडियो बहुत ज्यादा वायरल चल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा ही वायरल हो रहे हैं, तो चक्रदास गेमिंग जो भाई है वो बनाते हैं। तो इस तरह का कैसे हम वीडियो बना सकते हैं अपने कैपकट ऐप से और इलाइट मोशन ऐप से, ठीक है। तो आप फिर भी देख लो कैसा हमारा लास्ट तक वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो आपने प्रीव्यू देख लिया, तो इस तरह का हम वीडियो बना लेंगे। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना वीपीएन कनेक्ट कर लेना है। प्रोवो वीपीएन आप यूज कर सकते हैं, ये मैं यूज कर रहा हूँ बहुत टाइम से, ये अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद वो कैपकट को आपको ओपन कर लेना है, और जो भी चीज मैं यहाँ पर यूज करता हूँ वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो मेरा यहाँ पर कैपकट ओपन हो गया, आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, और आपको अपना जो वीडियो है वो आपको ले लेना है जो इसकी रिकॉर्ड करना है। आप ध्यान से देखना, पहले तो एक बात है कि आपको इसकी रिकॉर्ड करना है वो 60 Mbps या फिर कहते हैं 40 Mbps, ठीक है, और 60 FPS। यदि आपको ये सब नहीं पता है क्या होते हैं, तो मैंने देखो इसी रिकॉर्डर का यहाँ पे एक थंबनेल लगाया, ये वाला आप वीडियो देख लेना, ठीक है। इसका मैं लिंक दे दूंगा और आई कार्ड में लगा दूंगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने 60 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जो वीडियो है ये ले लेना है। तो ये वाला मैंने वीडियो यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, HD पर क्लिक कर देना है। तो अपना वीडियो आ चुका है, तो ये चक्रदास गेमिंग का ही गेम प्ले है। इसमें जो लास्ट एंडिंग आती है इसको आपको डिलीट कर देना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको देखो एक चीज ध्यान रखना है अपने वीडियो में, तो ध्यान ये रखना है कि आप जहाँ पर वीडियो कट करते हैं, तो देखो जहाँ पर मैंने यहाँ पर हेडशॉट मारा है, ठीक है, और हेडशॉट के आपको पहले तक कितना, कम से कम 3 सेकंड, ठीक है, तो 4 से पूरा 5 सेकंड तक का वीडियो आपको रहना चाहिए, ठीक है। पहले आपको कट करना है हेडशॉट के 3 सेकंड के पहले, ठीक है, 3 या 4 सेकंड इतना, ठीक है, और हेडशॉट के बाद तक लास्ट तक, ठीक है, 1 सेकंड और, जैसे आपको हेडशॉट लगता है उसके 1 सेकंड बाद तक, ठीक है। तो आपका पूरा 4 या 5 सेकंड का वीडियो बनेगा ये, ठीक है, मतलब रहेगा कटिंग करने के बाद। तो मेरा पूरा कट है पहले यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है और एक्सेप्ट रेशियो लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर लिखा होगा 4:3, ठीक है, 4:3, ये वाले पर आपको क्लिक कर देना है, और राइट पर आपको क्लिक कर देना है। एंड पर वीडियो पर क्लिक करना है, और ऐसे नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर एक बेसिक मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्किल मिलेगा, इस पर भी क्लिक कर देना है, और इसको बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ाना कहाँ तक है, जहाँ तक आपका वीडियो जो फ्रेम रहता है, ठीक है, फ्रेम मतलब जहाँ पर देखो यहाँ पर लाइन आती है, तो यहाँ पर एक ब्लैक लाइन आने लगी, ठीक है, ब्लैक के ऊपर होने लगा अपना ये ब्लू लाइन, ठीक है। तो इतना आपको वीडियो में रख देना है, ठीक है। तो इतना अपना कितना होगा, 135%, ठीक है, 135% यहाँ पर हो गया। तो 135 नहीं करना आपको, यहाँ पर लाइन देख लेना अपने फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो इतना हो गया, इसके बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे स्लो मोशन, ठीक है। तो स्लो मोशन आपको कहाँ लगाना है ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो स्लो मोशन आपको कहाँ लगाना है बता देता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पर वीडियो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जहाँ मैंने जंप किया ना, तो आपको स्लो मोशन वहाँ पर लगाना है जहाँ आपका यहाँ पर करेक्टर मूव होता है, ठीक है। आपको वहाँ पर स्लो मोशन नहीं लगाना जहाँ पर आपकी स्किन मूव होती है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर जंप किया, इसके बाद मेरी स्किन मूव हुई, ठीक है, मतलब यहाँ से घूमी स्क्रीन। तो आप यदि यहाँ पर स्लो मोशन लगाते हैं जहाँ पर मेरी स्किन होती है, तो वहाँ पर स्लो मोशन जो परफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट वहाँ पर नहीं लगता है, वो सिर्फ पीसी में लगता है अच्छे से, तो मोबाइल में उतना परफेक्ट नहीं लगता है यहाँ पर, ठीक है, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर कर ही देता है। तो आपको कहाँ पर लगाना है जहाँ पर आपकी स्किन मूव ना हुई हो, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ इसमें कहाँ पर स्किन मूव नहीं हुई है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। तो देखो यहाँ पर देखो मैं रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर भी स्किन मूव हो रही है, ठीक है, यहाँ से स्किन मूव नहीं हो रही है, देखो, ठीक है, यहाँ पर अपना जो करेक्टर जंप करता है इतना तक, ठीक है, इसके बाद स्किन मूव होती है। तो स्किन मूव होने से पहले इतना यहाँ तक हमको क्या करना है कि अपना जो इसके यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है, जंप ना हो उसके पहले तक आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर वो स्लो मोशन लगा लेना है। तो देखो मेरा यहाँ तक है, तो इस पर जाऊँगा यहाँ पर इतना तक, और स्प्लिट पर क्लिक कर दूंगा, तो ये क्या होगा, कट हो जाएगा, ठीक है। आप एक बात यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक, ठीक है, इतना, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और फिर से स्प्लिट कर देंगे, तो बीच का अपना 1 सेकंड का पार्ट निकला है, तो 1 सेकंड का ही काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं है, तो इतना निकला। इसके बाद आपको स्पीड पर क्लिक कर देना है और नॉर्मल पर क्लिक कर देना है, और इसकी जो स्पीड होगी इसको पूरा 0.1x कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आना और यहाँ पर जो होगा इस पर क्लिक करना, बेटर क्वालिटी पर क्लिक कर देना, राइट पर क्लिक कर देना, तो आपका जो स्मूथ स्लो मोशन वो लग जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ स्मूथ स्लो मोशन अपना कैसा लग रहा है। स्मूथ स्लो मोशन अपना लग चुका है, स्मूथ स्लो मोशन अपना लग चुका है, तो देखो यहाँ पर कैसा वीडियो आ रहा है, ठीक है, तो अच्छा आ रहा है ना, मतलब यहाँ पर जो है अपना जो है अल्ट्रा स्लो मोशन बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, मतलब पूरा स्लो मोशन लगा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद एक स्लो मोशन लग गया, अब दूसरा स्लो मोशन अपन कहाँ लगाएंगे, ठीक है, तो इतना हो गया, इसके बाद यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर भी आप यहाँ पर देखो, अब यहाँ अपना कहाँ पर देखो, इतना हो गया, अपन ने यहाँ पर जम कर लिया, इसके बाद इतना पर, ठीक है, इतना मतलब अपने स्क्रीन यहाँ पर जो है यहाँ पर मूव नहीं हो रही है यहाँ के बाद, ठीक है, जंप करने के बाद यहाँ पर मूव नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से, ठीक है, देखो इतना इतना, ठीक है, यहाँ पर स्प्लिट करूँगा और अपना जो आएगा इतना पार्ट है इतने को, ठीक है, इसको फिर से स्प्लिट कर दूंगा,
और जो एक पार्ट बचता है बीच का, इसको अपना स्लो मोशन लगा देंगे। तो इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, कितना थोड़ा सा नहीं, 0.1x कर देना है, ठीक है। और इस पर जाकर बेटर क्वालिटी आपको कर देना है, राइट पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो स्लो मोशन लग जाएगा। स्लो मोशन का यही होता है कारण कि आपको जो जहाँ पर स्क्रीन आपकी मूव ना हो, घूमेला है, वहाँ पर आप स्लो मोशन लगाना है, तो स्लो मोशन परफेक्टली वर्क करता है, ठीक है। बट आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड, जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो वो 60fps पर होना चाहिए, ठीक है। अपना जो नॉर्मल करते पर 60fps पर नहीं करते, 30 पर करते हैं, तो 30 पर स्लो मोशन करते हैं तो अच्छा नहीं होता, तो आपको 60 पर करना है। तो मैंने जो आपको वीडियो बताया था अभी, वो आपको देख लेना है, स्क्रीन रिकॉर्डर वाला, उसमें आपका 60 हो जाता है, ठीक है, 60, 90, 120 भी हो जाता है, ठीक है, तो आपको 60 करना है। तो अब यहाँ पर दिखा देते हैं कैसा बन रहा है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो मोशन लग गया, यहाँ पर भी आ रहा है। अब लास्ट में स्लो मोशन लगाना है हेडशॉट के बाद, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना लगा है, यहाँ पर हेडशॉट लगा है इतना, ठीक है। तो अपना हेडशॉट लगाया यहाँ पर, इसके बाद इतना कर देते हैं यहाँ पर, इतना स्लो मोशन यहाँ पर लगा हेडशॉट। इसके बाद आपको जहाँ पर रनिंग करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना, उस पर क्लिक कर देना, और देखो यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हमने देखो इस साइड स्क्रीन जो हो गई वो मूव हो गई, तो वहाँ तक आपको नहीं लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ तक ही लगाऊंगा, यहाँ तक, जहाँ तक मेरी स्क्रीन मूव नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और इसको आपको स्लो मोशन लगा देते हैं, 0.2 सेकंड का वीडियो रहेगा ए, ठीक है। इसको स्लो मोशन लगा देते हैं तो और वीडियो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बेटर क्वालिटी पर कर देना तो अच्छा स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पर देखो अपना स्लो मोशन जो है यहाँ पर लग चुका है परफेक्टली, ठीक है। अब इसका जो आपका लास्ट का पार्ट आता है, इसको आपको डिलीट कर देना है। आपके यदि एंडिंग स्क्रीन आती है तो इसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। मैंने तो पहले ही कर दिया है, तो अपना इतना वीडियो बन चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस पर आपको क्लिक कर देना, कोई भी यहाँ पर क्लिप पर, और यहाँ पर नीचे जाना है, और यहाँ पर एडजस्ट पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर देखो मिलेगा होगा शार्पन, ठीक है। तो शार्पन को आपको पूरा बढ़ा देना है, ठीक है। इसके बाद अप्लाई टू यार पर क्लिक कर देना है, और राइट पर क्लिक कर देना है, तो ये सभी पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा से अपनी क्वालिटी आ जाएगी। अब एंड इसके बाद आपका आपका क्या रहा है, यहाँ पर साउंड इफेक्ट हम लगाएंगे, ठीक है। तो साउंड इफेक्ट करने लगाने के लिए देखो यहाँ पर आपको आईडी पर जाना, जो भी साउंड इफेक्ट रहेंगे वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, ठीक है। उस लिंक से आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मिलेगी। यदि लिंक पर डाउनलोड करते नहीं बनता आपको, तो मैंने एक डाउनलोड करने वाला वीडियो बनाया था, उसको देख लेना, ठीक है। तो वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर स्लो मोशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक साउंड इफेक्ट लगाएंगे, वो एयर वाला, ठीक है, हवा वाला, उसे बूम्स बोलते हैं। तो साउंड इफेक्ट पर जाएंगे, साउंड पर जाएंगे, आपको मैं साउंड इफेक्ट सब दे दूंगा। एंड इसके बाद फाइल पर आ जाता है, यहाँ पर डिवाइस पर आ जाते हैं, डिवाइस पर। तो मेरे जो सभी साउंड होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा एक साउंड ए है, ठीक है, ए है, ठीक है। तो ये थोड़ा बूम्स वाला है, तो ए आपको लगाना है। तो मैंने प्लस फाइव में क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। आपको यहाँ पर लगा देते हैं जहाँ पर ए स्लो मोशन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो अपना जो अपना वीडियो की जो आइडियो है वो आ रही है, ठीक है। तो इस पर जो है म्यूट पर क्लिप, जो म्यूट क्लिप आइडियो लगाना है, इस पर आपको क्लिक कर दे दें तो ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर कुछ ऐसा लग जाएगा, ठीक है, जहाँ पर एकदम से ऐसा मूव होता है, ठीक है। इसके बाद स्लो मोशन लगता है। यदि आपको लगता है कि आपका स्लो मोशन ज़्यादा ही हो गया है, मतलब ज़्यादा ही कवर हो रहा है, तो जैसे मुझे लग रहा है कि मेरा जो इसमें स्लो मोशन है वो ज़्यादा ही लंबी क्लिप में हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा, और स्पीड पर क्लिक कर दूंगा, और जो लास्ट का पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, इसको इसकी जो स्पीड होगी वो कम कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो है इसका स्लो मोशन थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। तो एक मतलब स्क्रीन अलग से आ जाएगी, ठीक है। आपको पहले से करना है, ये तो मैंने बाद में कर दिया, ठीक है, मुझे ज़्यादा लग रहा था पर इसलिए कर, ठीक है। तो इतना स्लो मोशन है इसमें, इसके बाद इतना आ गया, ठीक है, इतना स्लो मोशन इसमें है, ठीक है। तो अपना स्लो मोशन देखो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि मतलब कि यहाँ पर जो क्लिप में ज़्यादा क्लिप हो गई है, ठीक है, मतलब स्लो मोशन वो लंबे टाइम तक यहाँ पर चल रहा है, तो मैं इसको कम करना है। तो बीच में मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट कर दूंगा, और आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, और इसकी जो है स्पीड को आपको कम कर देना। आप यदि पहले ही छोटी क्लिप बनाओगे, ठीक है, तो नहीं होगा वो, फिर तो मैंने इतना कर दिया, ठीक है। तो इतना स्लो मोशन इसका हट जाएगा, इसका बस स्लो मोशन रहेगा। अब देखो यदि आपको स्प्लिट करने के बाद आपका यदि स्लो मोशन हट जाता है, तो आपको फिर से इसमें स्पीड पर जाकर, नॉर्मल पर जाकर इसको पूरा फिर से स्लो मोशन लगा देना है, बेटर क्वालिटी पर क्लिक कर देना है, तो आपकी आपका जो है इसमें स्लो मोशन अप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पर टिक भी बना गया, ठीक है, मतलब हो चुका है अपना। अब इसके बाद आपको फिर से जो है साउंड इफेक्ट लगाना है एक और, तो यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हम जंप करते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देना, जो आपका सेलेक्ट है इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, और इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट हो जाएगा ये, ठीक है, नीचे रहता है डुप्लीकेट का। और इसके बाद यहाँ पर आपको लगा देना है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर इतना आ चुका है, ठीक है, इतना लगाते हैं,
ठीक है, तो जहाँ पर आपका स्लो मोशन आता है ठीक है, वहाँ पर साउंड को लगा देना तो अच्छा ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आगे आ जाना है। ठीक है, इफेक्ट इसमें लग गया, अब हमें लगाना है गन का साउंड इफेक्ट। तो हमारा हेड शॉट यहाँ पर लगता है ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगाना है गन का साउंड इफेक्ट, तो वो भी आपको मिल जाएगा। साउंड पर चले जाते हैं, ये तो मेरा मोबाइल लैग कर रहा है, क्या बताऊँ। यहाँ पर आपको डिवाइस पर आ जाना है, अपना जो साउंड रहेगा गन का वो आपको ले लेना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ मेरा कहाँ है गन का साउंड। आपको जो से भी आप जो से भी गन लिए हो ठीक है, उसका साउंड आपको लगाना है। तो मैं शायद यहाँ पर M10 लिया हूँ ठीक है, तो M10 का साउंड देख लेते हैं कहाँ पर है। M10 सिंगल साउंड इरा शायद यहीं पर कहीं तो था, ये है ठीक है, एक ही है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, इसको ले लेते हैं, ये उल्ल वाला है, तो मैंने इसको ले लिया। अब इसको आपको यहाँ पर जहाँ पर आपका जो साउंड रहता है यहाँ पर ये ज़्यादा ग्राफ बना रहा है ना ठीक है, यहाँ पर इतना इसको आपको इतना तक कर देना है, और जहाँ आपका कट करते हैं आप जहाँ पर आपको हेडफोन लगता है वहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो अपना देख लेते हैं कैसा लगेगा। तो अपना साउंड इफेक्ट यहाँ पर पूरा लग चुका है ठीक है। इसके बाद आप क्या करना है, बैक आ जाना है, यहाँ से बैक नहीं आना, मतलब यहाँ इतना आ जाना। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इफेक्ट ठीक है। तो इफेक्ट आपको कैसे लगाना है, तो वीडियो इफेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है, और वीडियो इफेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर फर्स्ट में हमें लगाना है पल्स टाइप का एक इफेक्ट रहता है वो, ठीक है दिखा देता हूँ कौन सा है। तो यहाँ पर नीचे आना है ठीक है, यहाँ पर ए वाला इफेक्ट है, पल्स ए वाला ठीक है, इसको आपको ले लेना है और इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना राइट पर ठीक है। तो इसको आपको कम कर देना है पूरा ठीक है, इतना तक ठीक है, जहाँ तक आपकी क्लिप रहेगी। तो यहाँ पर अपना ऐसा आएगा कुछ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इतना ठीक है, इतना जितना सही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ठीक है, तो इतना सही रहेगा, स्पीड से ज़्यादा नहीं बढ़ाना, थोड़ा बहुत कर देना ठीक है। 47-50 तक है मेरा, 50 तक कर दिया ठीक है, राइट पर क्लिक कर देना, ये सही हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है आपको लास्ट में आ जाना है ठीक है। तो लास्ट में ही हम एक इफेक्ट लगाते हैं, लास्ट में नहीं पहले आ जाना, फिर से वीडियो एप पर आपको क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपको एक शेक इफेक्ट लगाना है, इससे एक वाला इस पर आपको क्लिक कर देना ठीक है, राइट पर क्लिक कर देना। और आपका जो शेक इफेक्ट रहेगा ये आपको कहाँ तक लगाना है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मतलब जहाँ तक आपका लास्ट हेडशॉट लगता है उसके उसके पहले तक ठीक है, उसके पहले तक, और यहाँ से इसको एंड होने के बाद तक ठीक है, यहाँ पर ठीक है। तो इसको उस पर क्लिक कर देना एडजस्ट पर, और इसकी जो स्पीड होगी इसको आपको ज़रा सा कर देना है 5% ठीक है, तो अपना फिर कैसा आएगा। और इसकी इंटेंसिटी होती है इसको भी आपको 5 कर देना है ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये मूव बस होगा। अब आपको यहाँ पर एक क्लिप और बना के बताता हूँ ठीक है, जो मतलब यहाँ पर जो यूज करते हैं वो 14 में बहुत सारे वीडियो में। तो मैंने यहाँ पर राइट पर क्लिक कर दिया, तो अपना ये कुछ इतना ऐसा कुछ हो जाएगा ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर वो क्लिक बताता हूँ जहाँ पर मैंने स्लो मोशन लगाया है, यहाँ पर वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कभी कभी ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ए वाला वीडियो रहेगा मेरा ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर नीचे आ जाना, और यहाँ पर क्या होगा डुप्लीकेट आपको क्लिक कर देना, डुप्लीकेट ठीक है। तो यहाँ पर एक हो जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगी एक और ठीक है, फिर इसी पर क्लिक करना आगे वाली जो रहेगी, और नीचे आना एंड ओवरले पर आपको क्लिक कर देना, तो नीचे आ जाएगी ठीक है। तो इसको आपको लाना है यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक आपके इस इफेक्ट मतलब जो ऊपर वाली क्लिप होगी जिसका आपने कॉपी किया है उसके बिल्कुल फिक्स में लगा देना है ठीक है। तो ये लग गई, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो जैसे मेरा यहाँ पर है ठीक है, तो यहाँ पर हम एक इफेक्ट लगा देते हैं जैसा वो वीडियो में लगाते हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कौन सा वाला ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा, क्लिप पर, नीचे वाली क्लिप पर, ओवर वाली पर, उस पर क्लिक कर दूंगा, और इसका जो यहाँ पर इतना जो पार्ट रहता है इतना ठीक है, इतना इतना, और इस पर भी क्लिक कर देंगे स्प्लिट पर, तो फिर बीच का पार्ट इतना कट हो जाएगा ठीक है। बीच के पार्ट पर आपको क्लिक कर देना है, बीच वाले पार्ट पर, और यहाँ पर जाना है नीचे ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपको ऊपर वाली क्लिप पर जाना है ठीक है, और जो ऊपर वाली क्लिप होगी इस पर आपको यहाँ पर स्प्लिट कर देना इतना ही ठीक है। एंड जो आपको आगे होता है उसको भी आपको स्प्लिट कर देना है तो मैंने यहाँ पर देखो अपनी जो लेयर है वो यहाँ पर कट कर ली है, बीच वाली भी ठीक है, ऐसे आपको कट कर लेना है बीच में से। इसके बाद आपको जो ऊपर वाली लेयर है मेन लेयर, इस पर क्लिक कर देना ठीक है, और आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एक सर्च करना है, सर्च नहीं करना है, यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, और बॉडी इफेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिलता है वो आपको लगाना है।
तो यहाँ पर आपको मिलेगा वन बाई शिफ्ट इफेक्ट, ठीक है, ए वाला इफेक्ट है वन बाई शिफ्ट इफेक्ट, इसको आपको लगा लेना है, ठीक है, ये कुछ ऐसा काम करता है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना फिर, और जो इसकी स्पीड है इसको आपको कम कर देना है 30 तक, ठीक है, 20 से 30 के बीच रख सकते हैं आप, तो 30 कर दिया मैंने, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे देखो ए वाला इफेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा यूज करता है चलो तो गेमिंग वाला बंदा, ठीक है, तो ये कर देना, इसके बाद राइट पर क्लिक कर देना तो ए बन जाएगा। इसके बाद आपको इस साइड आना, ठीक है, इस साइड, तो आपको यहाँ पर कट कर लेना जहाँ पर आपका हेडशॉट लगता है, ठीक है, हेडशॉट के बाद आपको कट करना है, तो हेडशॉट के बाद मैं कहाँ बता देता हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पर हेडशॉट लगा, अपन ने स्लो मोशन तो पहले ही कर लिया था इसमें, ठीक है, तो इसके बाद आप कट कर लेना, तो मैंने देखो कट यहाँ पर कर लिया है। अब आपको यहाँ क्या करना है कि अपने बीट के हिसाब से इसमें क्या लगाना है, कट करना है बीट के हिसाब से कर लेना कट, ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पर एक बीट यहाँ पर आएगी, मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखो ऐसा कुछ बीट आ रही है ना, एक यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर ये बीट आ रही है, तो आप यहाँ पर एनिमेशन लगाना है, ठीक है, तो पहली बार क्लिप होगी, इस पर जाएंगे हम, इस पर क्लिक कर दिया, एनिमेशन पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको एनिमेशन लगा देना है, आप से एक बार यूज कर सकते हैं, दो तीन तरह की आपको कर लेना है, ठीक है, अलग अलग एक सा ही मत करना। तो यहाँ पर देखो पहली बार करता हूँ यहाँ पर मैं सेक 3, ठीक है, ए सेक 3 ए, ये अच्छा लगता है। और इसके बाद आपको सेकेंड क्लिप को छोड़ देना, छोड़ना नहीं है, यदि आप बीट हो तो कर सकते हैं। उसके बाद ये देखो ये हो गया, अपने यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, आगे वाले पर बीच वाला छोड़ देना है, यदि बीच वाले में बीट पहले आती है तो आप उसको भी ले सकते हैं, मेरे यदि बीट नहीं आ रही तो वहाँ पर आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कौन सा, यहाँ पर कोई और देख लेता हूँ, अच्छा जिसमें सेक वगैरह हो, एक ये है, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, स्विंग वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, ठीक है, ये भी कर लिया। एंड इसके बाद लास्ट वाले में भी आप लगा सकते हैं, तो इफेक्ट पर नहीं, एनिमेशन पर, और यहाँ पर कौन सा देख लें, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसको कर देख के लिए, तो अपना इफेक्ट देखो लग चुका है, ठीक है, तो बीट के हिसाब से ये सब आ चुकी हैं, ठीक है, तो अपना यहाँ पर एनिमेशन और जो होता है यहाँ पर एक वो इफेक्ट वाला ए वाला, ठीक है, ये सब बन चुका है। अब कुछ इफेक्ट बाकी रह जाते हैं जो नई न्यू यूज कर रहे हैं, वो अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, किसी और वीडियो में बता दूंगा, मतलब इस वीडियो का तो पूरा हो गया, ठीक है, मतलब अच्छे से बता दिए, इतना ही वो करते हैं, यदि कोई और नया इफेक्ट भी निकालते हैं तो मैं बता दूंगा। इसके बाद हमें चाहिए एक इफेक्ट आ गए, तो इफेक्ट हम लगा चुके हैं ए वाला, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम ए लगा चुके हैं, सेक भी लगा चुके हैं, ठीक है, सेक मैंने बता दिया था आपको, तो इसमें इतना हो चुका है। इसके बाद आपको देखो म्यूजिक का मैं बता देता हूँ, तो आपको यहाँ पर जो है बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लेना है, ठीक है, मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर लगा लिया है, ठीक है, ऑडियो पर जाओगे और आप यहाँ पर स्ट्रक्चर पर जाओगे, तो आप जो भी आपका वीडियो वाला रहेगा उसको आप यहाँ पर ले लेना, तो आपको वो ऑडियो बन के आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कि आपका जो ऑडियो रहता है उसमें जो बीट होती है वो यहाँ पर आनी चाहिए जहाँ पर हेड होता है, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार सुनाकर, ठीक है, तो यहाँ पर ये बीट आ रही है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये वीडियो इतना कंप्लीट हो गया है। तो बाकी हमारा रह जाता है कलर ग्रेडिंग, तो कलर ग्रेडिंग करेंगे हम लाइट मोशन से, ठीक है, तो आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है, यदि आपको यहाँ पर लास्ट में ऐसी एंडिंग आती है तो ठीक है, इसको ध्यान से डिलीट कर देना, ठीक है, मेरी यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया है, यहाँ पर पूरा अपना वीडियो बन चुका है, आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर 1080p 30fps, अब देखो यहाँ पर जो ओपीटीएल फ्लो का एक ऑप्शन मिलता है प्रो वाले में, ठीक है, तो आपको इसको ऑन कर लेना है, इससे क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर स्मूथ होता है वीडियो स्मूथ हो जाता है, ठीक है, मतलब स्लो मोशन वगैरह सब स्मूथ हो जाते हैं, और इसको रिकमेंड को हाई कर देना, फिर आपको जो वीडियो है वो आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब बाकी रह जाता है हमारा कलर ग्रेडिंग, तो कलर ग्रेडिंग करेंगे हमें लाइट मोशन में, ठीक है, क्योंकि अपना कलर ग्रेडिंग लाइट मोशन से ही अच्छा होता है, न्यूड वीडियो से अच्छा होता है, बाकी इससे कैपकट से अच्छा नहीं होता, तो हम वो करेंगे लाइट मोशन में। तो अब कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको लाइट मोशन को ओपन कर लेना है, यहाँ पर आ जाना, ठीक है, प्लस आइकन पर क्लिक कर देना, और यहाँ से 916 और यहाँ पर 1080p और 30fps, ठीक है, और यहाँ पर बैकग्राउंड आपको ब्लैक रखना है, ठीक है, इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो होगा प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर जो प्लस आइकन का बनाए निशान, इस पर क्लिक कर देना, और मीडिया पर जाना, और जो आपने पहली क्लिप थी आपकी, मतलब सबसे पहले आपने जो रिकॉर्डिंग की थी उसको आपको ले लेना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से मैं गया, मैं यहाँ पर रखा हूँ, ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है मेरी क्लिप, तो ये ठीक है, और इसको आपको कट वगैरह कर लेना है, ठीक है, जितना आपने वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया, मतलब जितना आपने वहाँ पर रिकॉर्ड किया था, ठीक है, जहाँ पर आपने कैप कट में रखा था उतना है आपको ऊपर वाली को रखना है, ठीक है, तो मेरे तो पहले से ही कटआउट है, यदि आप कटआउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इस पर गया या इस पर टैप किया तो इस आगे वाला कट हो जाएगा, ठीक है, इस पर किया तो पीछे वाला कट हो जाएगा, ठीक है, इससे अंडो रीडो हो जाते हैं, ठीक है, तो ये अंडो आगे पीछे आ जाते हैं, ठीक है, मतलब यदि आपका एक बार डिलीट हो जाता है जैसे मेरा पूरा, तो मैं इससे करके वापस कर सकता हूँ, इससे वापस कर सकता हूँ, इससे आगे जा सकता हूँ, ठीक है,
तो इतना सब होगा इसमें। अब इस वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है और मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है और इसको ऊपर कर लेना है ऐसा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना है इतना ऊपर, थोड़ा सा आपको जगह छोड़ देना है ताकि हम जिसमें नॉर्मल लिख सकें, ठीक है। इसके बाद इस पर नीचे आ जाना, इस पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमारा वीडियो बड़ा हो जाए, ठीक। इसके बाद आपको आगे आ जाना है पूरा यहाँ तक, लास्ट तक, ठीक है। लास्ट में आने के बाद इस पर जो आपके जहाँ सेकंड लिखे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ सी लाइन सी बन जाएगी, ठीक, एक काम आएगी बहुत। इसके बाद यहाँ पर जो ऊपर देखो एक्सपोर्ट का निशान बना है, इस पर क्लिक करना और करंट फ्रेम PNG पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। तो आपकी जो फोटो होगी वो आ जाएगी, वो आपको सेव कर लेना है। तो ये फोटो आ गई, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, एक काम आएगी हमें लास्ट में, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इस प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है और मीडिया पर जाना और जो आपने अभी वीडियो एक्सपोर्ट किया था अपने कैपकट ऐप से उसको आपको ले लेना है, ठीक है। तो मेरा वीडियो ये रहा, तो मैंने इसको ले लिया, इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इसको आपको नीचे कर देना है, ठीक। तो इतना हो गया, इसके बाद इसमें कलर ग्रेडिंग करना है, तो प्लस आइकन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, ए वाला जो है ये आपको निशान ले लेना है, ए वाला, ठीक है, ये क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपको रेक्टेंगल लेना है। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो वीडियो है इसको आपको थोड़ा सा आगे कर लेना है पहले, ठीक है। उसके बाद फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है जो आपने अभी नीचे किया है, उसको मूव एंड ट्रांसफर पर जाकर इसको नीचे से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। पहले तो एडजस्ट कितना करना है, तो इसको आपको इतना रख लेना है, ठीक है, बीच में जगह छोड़ देना है थोड़ा, ताकि हम वहाँ पर अपना जो एडिटिंग लिख सकें, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है, इतना सही है, ठीक है, इतना अपन फिक्स आ गया। और यहाँ से बैक कर देना है, अब फिर से इसको यहाँ पर ले आना है जहाँ पर की फ्रेम लगाया था, ठीक है, यहाँ पर इतना, ठीक। तो अपना ये आ चुका है, गुड। अब क्या करना कि जो आपने रेक्टेंगल अभी लिया है ये वाला, ठीक है, इसको आपको नीचे कर देना है ऐसा, ठीक है। और इस रेक्टेंगल पर आपको क्लिक कर देना है, एंड कलर एंड खेल पर चले जाना है और यहाँ से आपको नीचे जो एक ऑप्शन है ए वाला साइड में, इस पर क्लिक करना। अब आपको देखो यहाँ पर रेक्टेंगल जो होगा कुछ ऐसा बना आ गया, ठीक है, इसको पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं रेक्टेंगल को। तो मूव एंड ट्रांसफर पर जाना, इस पर क्लिक करना, इस पर उसको ऐसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अपने यहाँ से भी कह सकते हो आप, तो इससे बैक कर देना पूरा, उसको आप ऐसे हाथ से कर लेना, कितना, इतना, ठीक है, इतना कर लेना अपने जितना आप इसकी रहती है, ठीक है, मतलब यहाँ तक इतना हो गया। इसके बाद इसको थोड़ा हल्का छोटा भी कर देना है, ठीक है, ऐसे हाथ से करोगे तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है, रुक जाओ, इतना इतना, ठीक है। इसको यहाँ तक कर देना जहाँ तक आपकी सीन रहती है। तो नीचे आपको पूरा इतना नीचे नहीं करना है, इतना आपको छोटा बनाना है, ठीक है, ताकि जितना अपना यहाँ पर स्किन आधी स्किन ढक सके ऊपर वाली, ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर वाली उसे ढाकनी है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कलर फिर पर जाना और जो आपने इसी पर क्लिक कर देना, तो आपका जो एक बार देख लो, फिर से इस पर करते हैं, फिर से इस पर कर देते हैं, तो ज़्यादा बड़ा हो गया लगता है, तो बस इसको कैसे करते हैं, छोटा कर देते हैं, यहाँ पर ले आके ऊपर की लाइन यहाँ पर ले आके, ठीक है। तो ये जो बिंदु होगी दो आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो आपका जो ब्लैक रहेगा ये ऊपर रहेगा और जो वाइट रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है, ये ग्रेडिएंट बन जाता है अपना। तो इतना हो गया, इसके बाद यहाँ पर देखो ये वाइट निशान बना, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद इस आइकन पर क्लिक करना और इसको जो नीचे वाला होगा इसको आपको पूरा जीरो कर देना है, फिर राइट पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ऊपर का बस आपका जो यहाँ पर रहेगा वो ब्लैक रहेगा और नीचे का आपका क्या होगा दिखने लगेगा, ठीक है। तो अब इस लाइन को आप थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, ठीक है, जहाँ पर आपका वो स्काई रहता है, ठीक है, उतने में हमें ये ब्लैक चाहिए होगा अभी, ठीक है। इतना हो गया, इसके बाद यहाँ से बैक कर देना है, फिर इसके इफेक्ट पर चले जाना और एड इफेक्ट पर क्लिक करना और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है फ्लिकर, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा FLICKER लिखोगे तो फ्लिकर CKER लिखोगे CKER तो यहाँ से मिल जाएगा। इस पर आपको स्टैंडर्ड स्क्रीन पर क्लिक कर देना है तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम इसमें हो गया। इसके बाद क्या करना है, अपना जो मेन वीडियो है इस पर आपको चले जाना है और फिर इसे इफेक्ट पर क्लिक कर देना और एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपको एक्सपोजर ऐड कर लेना। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो और जो आपके पास सर्च करते हो वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ये एक्सपोजर, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, फिर इस पर एक्सपोजर पर आप पहुँच जाओगे तो आपको एक्सपोजर को बढ़ाकर 0.50 कर देना है। तो मैंने 0.50 कर दिया है। इसके बाद आपका जो गामा रहता है गामा को आपको कम कर देना है, इसमें रखना है 0.730। तो मैं इसे इतना कर देता हूँ, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इससे बैक कर, इस पर क्लिक कर देना तो बैक हो जाएगा। फिर से इस पर क्लिक कर देना और आपको एक इफेक्ट ऐड कर लेना है, वो है शार्पन, ठीक है। तो मेरा ये शार्पन रहा, मैंने इसको ऐड कर दिया और इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो स्ट्रेंथ होगी ऊपर शार्पन की, ठीक है, इसको आपको कम कर देना है, इसको रखना है 0.0, ठीक है। तो इतना हो गया, इसके बाद यहाँ से आपको बैक कर देना है पूरा एंड इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना तो आप यहाँ पर आ जाओगे फ्रेम के यहाँ पर, ठीक है। फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना और एक रेक्टेंगल ले लेना है और रेक्टेंगल को आपको ऐसा बड़ा कर लेना है यहाँ तक, ठीक है, इतना, और अपने वीडियो तक जितना आपका वीडियो रहेगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रेट एंगल से अपना पूरा वीडियो ढक देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इतना,
ठीक है, पूरा ढक चुका है। इसके बाद आपको क्या करना कि जो आपका जो इफेक्ट होगा इस पर क्लिक कर देना, एड इफेक्ट पर क्लिक करना, और आपको सबसे पहले यहाँ पर कॉफी बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो आप सर्च कर लेना, मैंने यहीं पर है तो मैंने कर लिया, ठीक है। इसके बाद इस पर क्लिक कर देना और फिर से ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना, और आपको सबसे पहले यहाँ पर एक और लेयर है, लेयर नहीं सॉरी इफेक्ट एक्सपोजर, तो एक्सपोजर मैंने ऐड कर लिया, फिर इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो एक्सपोजर आपका होगा इसको आपको -2.00 कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे गामा मिलता है, तो गामा को आपको बढ़ाकर 1.290 कर देना है, ठीक है। तो 1.290 कितना, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद ऐड इफेक्ट पर फिर से क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर एक और सर्च कर लेना है गोसियन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास होगा तो देखते हैं, ठीक है। तो सर्च कर लेता हूँ, आप जी लिखोगे तो देखने को मिल जाएगा ऊपर ही। तो मैंने गोसियन पर क्लिक कर दिया, ठीक है, और स्टेशन पर क्लिक कर देते हैं तो ये आ जाएगा। अब एक चीज़ और इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। रुको, एक चीज़ रह गई अपनी, एक्सपोजर पर चले जाना जो आपने अभी ऐड किया था, वो एक्सपोजर को आपको कम कर देना है, ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं करना है, इसको करना है आपको 0.010, ठीक है, 0.010, ठीक है, इतना ध्यान रखना, 0.010, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो आपने अभी गोसियन मिरर ऐड किया है इस पर क्लिक कर देना, और इसको 1.20290 कर देना है, ठीक है, 1.290, वो पहले उल्टा हो गया था, मुझे ये करना था, मैंने वो कर दिया था, ठीक है। तो 1.290 इतना कर देना है, ठीक है। इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है, और एक और आपको ऐड करना है, ऐड इफेक्ट पर जाकर वो करना है सैचुरेशन, ठीक है। तो सैचुरेशन सर्च कर लेना, तो मैंने ऐड कर लिया, इस पर आपको क्लिक करना और इसको पूरा 100 तक बढ़ा देना है, और नीचे वाइब्रेंस होगा इसको भी पूरा बढ़ा देना है, ठीक है। तो इतना सब इसमें हो गया, ठीक है। इसके बाद इस पर बैक आ जाना है, एंड ब्रांड ऑपेसिटी पर चले जाना, और यहाँ पर लाइटर मिलेगा इस पर क्लिक करना, और लाइन एंड होगा इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर हो जाएंगी। अब इसके बाद इसको आपको नीचे कर लेना है, ठीक है, फिर से इसी पर क्लिक कर देना, और ये जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ से इसको डुप्लीकेट लेयर कर देना है, ठीक है। अब आपका जो ऊपर डुप्लीकेट लेयर हो गई है कॉफी वाली, इसके ऊपर वाले को क्लिक कर देना है, इफेक्ट पर चले जाना, और जो आपके यहाँ पर जो एक्सपोजर होता है उस पर क्लिक करना, और इसको जो बढ़ा देना है आपको, तो बढ़ा करके कितना कर देना है, 1.55, ठीक है। तो इसको बढ़ा करके करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्लस में करना है, तो पहले अपने माइनस था, अब प्लस में कर दिया अपन ने 1.55, ठीक है। एंड इसके बाद आपको जो एक्सपोजर मिलता है इसको ही आपको बढ़ा कर देना है, इसको करना है 0.121, ठीक है, 0.210, ठीक है, 0.210, ठीक है, इतना आपको इसमें रख देना है। तो अपना देखो यहाँ पर जो होगा वो ग्लू लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको जो लेयर होगी वो सब बाद में देखते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से इस पर जाना, इस आइकन पर, और इस पर जाकर यहाँ पर करंट फ्रेम PNG पर क्लिक कर देना, और इसको एक्सपोर्ट कर लेना, और अपनी जो फ़ोटो आएगी उसको आपको सेव कर लेना है। तो मैंने अपनी जो फ़ोटो है वो सेव कर ली है। इसके बाद यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे आगे आ जाना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पर जाना, एंड यहाँ पर जो आपने सबसे पहले फ़ोटो ली थी, सॉरी अभी जो फ़ोटो ली है आपने अभी, उसको आपको ले लेना है। तो मेरी ए वाली है तो मैंने ए ले ली, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना, ये क्या होगा, इसको आपको बैक कर देना, ये जो फ़ोटो आपने ली है इसको आपको नीचे कर देना इस वीडियो के, ठीक है, ये कुछ ऐसी आ जाएगी। इसके बाद इस वीडियो जो आपने फ़ोटो ली इस पर क्लिक कर देना, और इस बार क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे जहाँ पर आपने रेक्टेंगल ए सॉरी ये बनाया था की फ्रेम, ठीक है। तो नीचे वाले जो आपकी फ़ोटो होगी इस वीडियो वाली फ़ोटो को इस पर क्लिक करना, इसको इस पर क्लिक कर देना, तो ये आगे बढ़ जाएगी। आप ऐसे हाथ से बढ़ा सकते हो, ऐसे में ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। तो इतनी बढ़ गई, इसके बाद आपको क्या करना, इस पर क्लिक कर देते आगे आ गया। अब हमें अपनी फ़ोटो एक और ऐड करनी है, तो प्लस आइकन पर क्लिक करना, और जो आपने अभी फ़ोटो एक्सपोर्ट की थी, ठीक है, ए वाली, ठीक है, इसको आपको ले लेना है, ठीक है, और ये आएगी तो इसको आपको यहाँ से बैक कर देना, इसको नीचे कर लेना सब में लास्ट में, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि देखो हमारा जब नीचे का वीडियो चलेगा तो ऊपर की फ़ोटो रुक जाएगी, और जब ऊपर का वीडियो चलेगा तो नीचे की फ़ोटो रुक जाएगी, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्या करना, एक चीज़ और यहाँ पर बाकी रह गई कि जो आपकी जो नीचे वाली फ़ोटो है इस पर आपको दावे रखना है, तो सिलेक्ट हो जाएगी, और आपके जो तीन रेक्टेंगल आपने बनाया इन पर क्लिक कर देना, ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएंगी, और लास्ट में आ जाना, इस आइकन पर क्लिक कर देना, तो ये सब यहाँ पर बढ़ जाएंगी, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना, आपको आगे आ जाना है, ठीक है। अब हमें कुछ यहाँ पर लिखना होता है तो वो लिखेंगे, तो पहले एक प्लस आइकन पर क्लिक कर देना, और एक रेक्टेंगल ले लेना ए वाला, ठीक है, और इसको यहाँ सब बड़ा कर देना इतना, ठीक है, इतना, और इसको यहाँ पर बीच में लगा देना ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इतना, ठीक है, इतना। एंड इसके बाद कलर एंड फिल पर जाना और इसको ब्लैक कर देना,
ठीक है। और इसकी कॉपी कर लेना, डुप्लीकेट बना लेना, डुप्लीकेट कर लिया और इसको आपको क्या करना, इस पर क्लिक कर देना और मूव एंड ट्रांसफर पर जाना और इसको ऐसे नीचे कर देना है नीचे, ठीक है। और नीचे जो आपका जो जहाँ पर पहले ब्लैक है वहाँ पर इसको लगा देना है, ठीक है, ताकि हमारा जो ग्लू उस साइड दिख रहा है वो ना दिखे, ठीक है। इतना हो गया, अब हमें इसमें लिखना है एडिटिंग और नॉर्मल, ठीक है। तो प्लस आगे हमें क्लिक करेंगे और टेस्ट पर जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपको रोबोटो रेगुलर रखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तब आपको जहाँ पर रोबोटो रेगुलर रखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और व्यू एल फॉन्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जाकर आपको अपना एक फॉन्ट लेना है, तो आपको नीचे जाना, तो आपको यहाँ पर एक फॉन्ट मिलेगा कौन सा, रोबोटो ब्लैक इटालिक, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना, ये इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो कुछ आ जाएगा ऐसा। इसके बाद यहाँ पर आपको पहले लिखना है नॉर्मल, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल लिख लेता हूँ बड़े अक्षर में, कैपिटल लेटर में नॉर्मल, ठीक है, ये लिख गया। अब यहाँ पर जो यहाँ पर देखो ऊपर यहाँ पर कलर बना है, इस पर क्लिक कर देना और इसको क्या कर देना, वाइट कर देना, ठीक है। एंड इसके बाद आपको जो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर एक निशान राइट पर क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पर एक जो ग्रीन का निशान बना आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको आपको ऐसा थोड़ा कम देना है, ठीक है। तो इस साइड आ गया, तो इसको आप हाथ से ऐसे कर देना यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बीच, यहाँ तक ऊपर ये कर दिया। इसके बाद यहाँ से बैक कर देना, ऐसे पूरा बैक कर देना, एंड पूरा बैक कर देना। अब आपको इस पर फिर से क्लिक कर देना नॉर्मल वाले पर और मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक कर देना और यहाँ पर जाना इस वाले पर, इसको ऐसा बढ़ा देना है साइज, ठीक है। तो मैं इतना साइज बढ़ा देता हूँ इसका, इतना आ गया, ठीक है, इतना सही रहेगा। एंड इस पर क्लिक कर देना और इसको ऐसे एडजस्ट कर देना अच्छे से, बीच में आ जाए ताकि, ठीक है, तो अपना सेंटर में आ चुका है। इसके बाद यहाँ से बैक कर देना है एंड इस पर फिर से क्लिक कर देना और इसको डुप्लीकेट कर लेना है। तो मैं एक बार कर देता हूँ डुप्लीकेट, तो ये डुप्लीकेट लेयर हो गई। अब फिर से इस पर क्लिक कर देना, मूव एंड ट्रांसफर पर जाना और इसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ नीचे, इतना ही हो गया, ठीक है, इतना आ गया, यहाँ तक कर देते हैं इसको, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो बैक आ जाना और जो एडिट टेस्ट होगा इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको लिख लेना है एडिटिंग, एडिटिंग, ठीक है। तो एडिटिंग लिख गया, ठीक है, अब यहाँ से आपको बैक कर देना है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो एक वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इमोजी। तो आप प्लस के आगे पर जाकर अपना जो इमोजी है वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जो आपको लगाना है तो वो डाउनलोड कर लेना, वो आपको यहाँ से ले लेना है और लगा देना है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ करके। तो मैंने अपना इमोजी यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, इसको आपको ऐसे छोटा कर देना है यहाँ पर, इतना इसको एडजस्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये लगा दिया मैंने इस तरह, ठीक है, ये लग गया। इसके बाद आपको इससे बैक कर देना है। एंड यहाँ पर जो ऊपर की तीन लेयरें होगी जो आपने टेस्ट लिखा इस पर दाबे रहना, इस पर क्लिक करते रहना, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है, पहले को दाबे रहना फिर उसके बाद क्लिक कर देना पर तो सिलेक्ट हो जाएंगी। और इसके बाद आपको सब में लास्ट में आ जाना है पूरे तक और इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, तो आपके यहाँ तक बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे दो और आपने जो रेक्टेंगल लिए थे नीचे वाले ए वाले, ठीक है, जो वीडियो के ऊपर रहेंगे इसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना, ए दोनों को, ठीक है, जो आपने ये बनाए थे इनको भी आपको यहाँ तक आगे आना, इस पर क्लिक कर देना तो ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो अपना यहाँ तक बन चुका है, ठीक है, इतना आपका बन जाएगा पूरा वीडियो। तो मेरे को लगता है मेरा ये वीडियो जो छोटा हो गया थोड़ा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते इतना, ठीक है, इतना सही है, ठीक है, इतना हो जाएगा ये। अब आपका पूरा वीडियो बन चुका है, ठीक है, अच्छे से पूरा मिला लेना इसको कहाँ तक आपका वीडियो रहता है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना और इसके बाद आपको चले जाना है इस पर और आपका देखो यहाँ पर जो नीचे मिलता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जाओगे एक्सपोर्ट करने के लिए, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये आपको जो को यूट्यूब पर अपलोड करना है जैसे, तो आपको इसको कितना रखना है, आपको रखना है 10 Mbps से 15 Mbps के बीच में, ठीक है, जैसे मतलब मेरे 10 से 15 के बीच में, तो मैं 10 कर दूंगा, ठीक है, जिससे मेरी क्वालिटी जो होगी अच्छी आएगी और अपलोड करने के बाद यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद आपको वो क्या होगी, वो जो हो जाती है ना ब्लर वगैरह या फिर क्वालिटी गिर जाती है, ख़राब हो जाती है, तो वो नहीं होगी। यदि आप इसको ऐसा हाई करते हैं 25 तक, तो आपका वीडियो बड़ा जो यहाँ पर फाइल साइज होगी ज़्यादा हो जाएगी और आपका क्या होगा, जो होगा वीडियो भी अपलोड करने के बाद रिड्यूस हो जाएगा, मतलब क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर 10 रखना है, ठीक है, 10 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 14, ठीक है, मतलब 15 तक इतना ही रखना, इससे ज़्यादा 15 से ज़्यादा मत जाना और इतना इंस्टाग्राम पर रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी फाइल साइज ना हो। और इसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना 1080p होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 30 फ्रेम रेट ए आ जाता है, ठीक, फोन पर कर देना 30 फ्रेम आ जाएगा, इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।